द खलारी सीमेंट फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन ने गुरुवार को अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर फैक्ट्री गेट के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने का शुरुआत किया। धरना यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष रंजन सिंह बिट्टू की अध्यक्षता में शुरुआत किया गया है। धरना में द खलारी सीमेंट फैक्ट्री यूनियन के अलावा झारखंड प्रदेश कांग्रेस लेबर सेल के महासचिव राजन सिंह राजा सहित एनके एरिया संयुक्त मोर्चा में शामिल विभिन्न संगठनों के नेता उपस्थित हुए। आज ये जो खलारी सीमेंट वर्क्स के सामने मजदूरों की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना रखा गया है, उसमें हम सीसीएल के संयुक्त मोर्चा के साथ ही इसलिए उपस्थित हुए हैं कि इतनी वेदना और दर्द है इन मजदूरों में, इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जहां देश एक और इस विषम कोरोना काल से गुजरा, आम जन को रोज़गार का जहां दिक्कत है, वहां इस तरीके का अपने समय की एक गौरवशाली इतिहास रखने वाली सीमेंट प्लांट में मजदूरों के साथ जो हो रहा है वो निंदनीय ही नहीं है, अमानवीय है। मैं इसे अमानवीय बोलूँगा। हम लोग देख रहे हैं पिछला एक दो महीना से फैक्ट्री में प्रोडक्शन जीरो हो चुका है। इसका मंशा नहीं है फैक्ट्री चलाने, इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मंशा है कि यहाँ पर इसका जो भी प्लांट के अंदर में मशीन है, स्क्रैप है, जो भी है, इसको किसी भी तरह से इनक्रेन प्रक्रेन माल काट के यहाँ से हम निकाल लें, यूनियन को और मजदूर को बेवकूफ बनाकर झूठा झूठमूट का आश्वासन देकर माल अपना मोटा मोटी 300-400 टन स्क्रैप भी काट के ले गया, 3-4 करोड़ का स्क्रैप भी बेच दिया। स्क्रैप बेचने के लिए यूनियन भी सहमति दिया था, हम भी थे सहमति देने में, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग का शर्त यही था कि आप स्क्रैप बेचिएगा तो उसमें जो भी 2-4-5 करोड़ रुपया आपको आमदनी होगा उस पैसा से आपको ग्रेचुटी पीएफ वगैरह जो भी बर बकाया है लोगों का जो केस मुकदमा में नहीं है, रिटायर्ड कर्मचारी लोग जो भी लोग, कुछ लोग केस मुकदमा में हैं, चलिए उनको कोर्ट से फैसला होगा, लेकिन जो लोग केस मुकदमा में नहीं है उसको भी बिना मतलब का कोई ना कोई बहाना करके 10-10 साल 20-20 साल से लटकाए हुए पैसा, छोटा छोटा बात को लेकर कभी भी किसी भी वर्कर को सस्पेंड कर देता है बिना मतलब का, मतलब एकदम हर तरह का जो भी एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, लेबर एक्ट है, जो भी है, और सबको ताक पर रख दिया।